तो गाइस अभी हम लोग का आंटी एक बहुत ही प्यारा गाना आप लोग को सबको सुनाएगा। जितना भी सब्सक्राइबर है व्यूअर्स है आप लोग के लिए एक आंटी बहुत ही प्यारा गाना गाने वाला है अपना दिल से, तो आप लोग एक बार सुनिए। जब मोहब्बत जवानी होती है, नेक्स्ट टाइम आने से आंटी आपको हम बुलाएगा। ये साल कैसा लगा है करे बाय बाय। ये देखिए बढ़िया बना है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आया है और मम्मी भी आने वाला है शायद, तो मम्मी का आने से पहले मैं ख़त्म करके साफ सफाई कर लेता हूँ। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज भी बहुत ही बारिश दे रहा है और आज संडे है तो मम्मी चार्ज गया है। और जैसे कि आप लोग को लास्ट वीडियो में बोला था कि मम्मी दवाई खा रही है तो उस वजह से घर पर मीट मच्छी नहीं चल रहा है, तो मम्मी अभी चार्ज गया है, गिरजा गया है। तो मैं सोचा कि मम्मी का आने तक मैं फटक से मीट बना के खा लेता हूँ, क्योंकि दो दिन हो गया मीट नहीं खा रहा हूँ तो खाना भी खा के अच्छा नहीं लग रहा है। तो मम्मी घर पे है नहीं तो इसीलिए मैं फटक से मीट बना रहा हूँ। आप लोग को एक बार दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा ग्रेवी बना के रखा हूँ, बना के मैं फ्रिज में भी रख दूँगा छुपा के। ये देखिए बढ़िया से बन रहा है और बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। ये देखिए एक बार आलू दिया है, मीट दिया है, टमाटर दिया है, तो ही पका रहा हूँ मैं अभी। तो ये हो गया है लगभग 10-15 मिनट, और भी थोड़ा सा ये जो ग्रेवी है इसको सूखने देंगे, उसके बाद मस्त खाना खाएंगे। मम्मी का आने से पहले खा लूँगा, नहीं तो क्या होगा कि मम्मी को फिर मीट देखने से मम्मी को भी खाने मन होगा ना, तो इसीलिए मैं फटक फटक से खा लेता हूँ मम्मी का आने से पहले। तो गाइस मेरा मीट बन के रेडी हो गया, आप लोग को एक बार दिखाता हूँ मैं। ये देखिए बढ़िया बना है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आया है। और अगर इसका रेसिपी आप लोग को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को। तो मैंने खाना भी निकाल लिया है, अभी मीट भी निकाल लेते हैं, उसके बाद मस्त खाएंगे अभी। तो दोस्तों ये है प्लेट, सब कुछ गर्म है, राइस भी गर्म है, सब्जी भी गर्म है, खा के देखते हैं। ये थोड़ा सा मीट भी बढ़िया पका है, इसको सिर्फ टेस्ट करके देखता हूँ नमक वमक ठीक हुआ है कि नहीं। कभी कभी लगता है कि मैं भी इतना अच्छा कैसे बना लेता हूँ। बहुत बढ़िया बनाया, थोड़ा स्पाइसी बनाया था, मैं जैसे चाहिए था मुझे वैसे ही भाई। और गाइस कल का वीडियो में मैं बोला था ना कि घर पे मीट मच्छी नहीं हो रहा है, तो एक भाभी हमको दिन में मिला था मार्केट में, तो भाभी बोल रहा था कि कल रात को आओ खाना खाने के लिए। तो देखता हूँ अगर बारिश वारिश नहीं देने से भाभी गाँव पे जाएंगे खाना खाने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं है, बस ये रास्ता का उस पर में है भाभी का घर, तो शायद शाम को मैं वहाँ पे जाऊँगा खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, आप लोग को भी दिखाऊँगा मैं। और ये तो बहुत ही बढ़िया बना है, और आलू भी लगाया था मैंने। यूजली नहीं तो मैं आलू नहीं खाता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया मुझे आलू का साथ बहुत खाने मन था, तो इसलिए आलू भी लगाया है मैं। आलू भी बढ़िया से पकाए, देखिए चिकन एकदम प्रॉपर होटल वाला जैसे बनाया। मुझे हम बिहारी, मेरा जो दोस्त है बिहारी दोस्त है, उनका मम्मी लोग ऐसा बनाता है तो मैं भी वही कॉपी करने के लिए गया था, और उनका जैसे तो एग्जैक्ट नहीं हुआ है बट ठीक ठाक हुआ है, बढ़िया हुआ है। तो सही है, बहुत बात कर लिया पहले, खा लेते हैं, भूख भी लग रहा है और मम्मी भी आने वाला है शायद, तो मम्मी का आने से पहले मैं ख़त्म करके साफ सफाई कर लेता हूँ ना। और गाइस हम लोग का घर का केला जो उस दिन मम्मी काट के रखा था, उसको अभी हम लोग देखने जा रहे हैं पकाए कि नहीं पकाया जाएगा, नहीं पकाए। तो यहाँ पे है हम लोग का कोपक, नहीं पकाए, पकने से हम लोग लेके जाएगा। उधर भी है क्या? हाँ वहाँ पे ये वाला जो पक गया बोलते। ये देखिए सब नहीं पका, ये नीचे पोर्शन लोग पक गया, देखिए ना इतना सारा कीड़ा है तो ये पक गया है। और मौसम अभी थोड़ा ठीक है, बारिश रुक गया है, एक बार देखिए
और मम्मी भी आ गया है। तो गाइस अभी जो पका है उसको हम लोग निकाल रहे हैं, देखिए। अच्छा से नहीं पका है फिर स्टिल खा सकेगा। और तो ठीक है इसको निकाल लेते हैं पहले। गाइस अभी मैं पपीता तोड़ने के लिए आया हूँ अपना बगान से, तो आप लोग को भी दिखाता हूँ मैं। पपीता बहुत सारा है, बहुत सारा मतलब है और कुछ, और पहले बहुत सारा था, वो सारा गच्ची टूट गया है ये देखिए। तो ये लठी से मुझे तोड़ना है पपीता। अबे ये तो बहुत है, रुकिए मैं दूसरा एक लाठी लेके आता हूँ। वो शायद वहाँ का उसको सपोर्ट करने के लिए लगा के रखा होगा, तो मैं एक दूसरा लाठी लेता हूँ यहाँ से। ये हो जाएगा, तो इससे अपन तोड़ेंगे पपीता। ये वाला को तोड़ देना, बड़ा वाला को। अरे गिरने का नाम नहीं ले रहा है तो ये। रुकिए उल्टा से करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ से करते हैं। रुको अरे यार का है इतना बदतमीजी है, टूट ही नहीं रहा। मम्मी एक तू जुड़ेगा क्या? और एक तू तोड़ते है, उसको तोड़ते है। तोड़ दिया है मैंने। ये वाला एक है और ये एक है, तो ठीक है इसको मैं लेके जाता हूँ अभी अंदर। मम्मी और मैं घूमने जाएंगे, तो मम्मी को पूछता हूँ आज कहाँ जाएगा घूमने के लिए। बहुत दिन से बारिश दे रहा था, उसका मन इधर उधर नहीं निकलता है। हाँ इसलिए बोर हो गया, इसलिए हम लोग घूमने जा रहे हैं। घूमने जाएगा अभी, थोड़ा मौसम ठीक है। देखिए मौसम क्लियर हो गया, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। आप लोग को भी जहाँ जाएगा दिखाऊंगा आप लोग को भी ना। तो अभी ऐसे चलते हैं, आया है पाम में, पाम में घूमने आया है। और आज का मौसम देखिए इतना ठंडा है, लग रहा है पूरा ठंडा दिन आ गया जैसा, बहुत ठंडा है। और यहाँ पे गाला बन रहा है, देखो गाला को एक बार दिखाता हूँ मैं क्या बना रहा है। ये देखिए इधर आना है, गाला बना रहा है, इतना सुंदर गाला है, फूल सुंदर होगा ना। जब ये बन के रेडी हो जाएगा तब आप लोग को दिखाऊंगा मैं। ठंडा है बाइक में, बहुत ही ठंडा लगा है। तो अभी इसमें थोड़ा बैठेंगे और यहाँ से भी जाएंगे घर। और हमारे लिए अने इधर चाय बना रहे हैं, देखिए। तो अभी चाय पी के हम लोग भी सीधा निकलेगा, क्योंकि बारिश भी आ सकता है ना, मौसम ठीक नहीं है अभी भी। तो फट से चाय पीते फिर यहाँ से चल के बनेंगे। ठीक ही लग रहा है देख के। तो हेलो, मैं मेरा बेटा को आप लोग जैसे भी अन से भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक भिखारी माँ हूँ, उसी के लिए आप लोग सभी मेरा बेटा का चैनल देख दो। हाँ। और उसी के लिए धन्यवाद। ओके थैंक यू। ये हम लोग का आंटी है यहाँ का। तो गाइस ये हम लोग का चाय, अभी इधर अन्ना भी बैठा हुआ है और ये दोनों को चाय पिला रही हूँ। माँ बैठा दोनों को, उसके बाद भगाएगा ना। इधर सुनने से कुछ नहीं है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी भी इधर है। आप दोनों का नाना के लिए, आप दोनों का नाना के लिए थोड़ा चिंता होता है, नहीं तो कुछ नहीं है यहाँ बैठने से भी। तो ठीक है अभी चाय पिएगा, और आंटी चाय नहीं पीता है ना। आंटी आप चाय नहीं पिएगा? मैं चाय नहीं पीता हूँ। सभी के लिए, मेरा बेटा के लिए, मैं फिर दोबारा मैं करूँगा कि आपको रिक्वेस्ट करते हैं मेरा बेटा का चैनल में हमेशा लाइक कर दीजिए, यही मेरा दुआ है।
थैंक यू। ओके बाय। अभी हम लोग का आंटी एक बहुत ही प्यारा गाना आप लोग को सबको सुनाएगा, जितना भी सब्सक्राइबर है व्यूअर्स है आप लोग के लिए एक आंटी बहुत ही प्यारा गाना गाने वाला है अपना दिल से, तो आप एक बार सुनिए। जब मोहब्बत जवानी होती है, हर अदा एक जवान में होती है, तुम जहां प्यार से कदम रख दो वो जमी आसमान होती है। हेलो, मेरा ये बेटा का वीडियो देखने वाला सभी को नमस्कार। मेरा बेटा को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका दादी माँ बहुत बुरी हो गया है, गाना तो बहुत पहले से गा भी सकता था लेकिन उसी के लिए मेरा बेटा का आप लोग को खोती खोती मेरा अपना मैंने प्राप्त मेरा जो मैं दिल में आता हूँ जो उसको हम बल देता है, मेरा बेटा का चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, यही है मेरा दुआ। अभी हम लोग घर निकल रहे हैं यहाँ से और घर पहुँच के शायद मैं वो भाभी का वहाँ पे जाऊँगा लंच सॉरी डिनर करने के लिए, तो इनके जाने से वो भी दिखाऊँगा और बहुत ही अंधेरा हो गया देखिए, तो अभी ऐसे चलते हैं। बाय बाय। मामा बाय 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 बाय। गुड नाइट गुड नाइट। ओके नेक्स्ट टाइम आने से आंटी आपको हम बुलाएगा। ये साल कैसा लगा है रब्बा में। करे बाय बाय। भैया का यहाँ पे ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पे आज खाना खाने के लिए आए हैं, तो आप लोग को दिखाऊंगा मैं आगे जो भी होगा, तो हम लोग थोड़ा चिकन लेके आए तो आपको मैं दिखाते रहूँगा जो भी आगे होगा ना, तो चलिए अभी चलते हैं। ये हम लोग का ट्रेडिशनल घर है, हम लोग का मिसिंग घर है जो बम्बू से बनाया जाता है ना, तो अभी यहाँ से सीढ़ी है तो चलते हैं अभी यहाँ से, तो ठीक है मैं पहले घुस लेता हूँ उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा थोड़ी देर। आपको दिखाता हूँ हमारा एकदम ट्रेडिशनल मरम जो हम लोग बहुत साल से मिस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का घर पे नहीं है, तो इसको हम लोग मरम बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग आग जलाते, देखो यहाँ पे आग जलाते और ये भी आग जलाना के ये तो आजकल मॉडर्न हो गया है, ये लोहा से बनता है, बट ट्रेडिशनली हम लोग यही यूज़ करते हैं, इसमें आग वगैरह जलाते हैं। कौन सा ये और ऐसा है क्या, सॉरी ये ट्रेडिशनल है बोला, ये आजकल का मॉडर्न है। और यहाँ पे भाभी एकदम बढ़िया से मिट्टी पानी मिक्स करके उसको क्या बोलते हैं वो प्लास्टर मार दिया है, तो कुछ ऐसा है। अब ये सूखने वाला है अभी, और देखिए ये पोर्शन लुक सूख गया है, तो इसमें आग जलाएंगे, तो ये हम लोग का ट्रेडिशनल वे है। यहाँ पे भी होता है मरम का ऊपर भी, लेकिन अभी तक भैया लोग अपग्रेड नहीं कर रहे, इन फ्यूचर अपग्रेड करेगा। तो ये है हम लोग का ट्रेडिशनल वे, मरम बोलते हैं इसको देखिए, तो अभी हम लोग इसमें बनाएंगे ना भैया। और हम लोग जहाँ पे आया है ये है हम लोग का भैया। कैसे हो भैया? ठीक है। और हम लोग का भैया रील्स में बहुत ही ट्रेंडिंग में चलता है, हम लोग आप लोग देखा है कि नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोग मेरा नाम है उदय ताए, आप रील्स देखते हैं तो मुझे भी ये क्या सर्च फॉलो करना है। फॉलो आपका रील्स का क्या नाम है, इंस्टाग्राम का क्या नाम है? उदय ताए। आप लोग उदय ताए बोल के इंस्टा में सर्च कीजिए और वहाँ पे भैया का बढ़िया बढ़िया सा रील्स देखिए, है ना, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। और शशि मानो इधर आओ, ये हम लोग का भैया का बेटा है, इसका नाम है शशि मानो, बहुत ही बड़ा हो गया ये भी। और इसका दीदी है वो डिंग डिंग, एक बार को हाय हम तो हाय। ये डिंग डिंग है भैया का सबसे बड़ा बेटी सॉरी डिंग डिंग है, फिर हम लोग का शशि मानो है ना। तो आज हम लोग इधर आया है भैया का यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है आपको? हम लोग सभी आया है, बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे ही आना है, किसी दिन भैया को भी देखना है, घर में आना है, आप लोग आना है। अकेला कितना मियां भी कितना बैठेगा कितना बैठेगा। किसी दिन दोस्त भी चाहिए, भाई भी चाहिए घर किसी को जरूरी है, इसलिए आप लोग भी आते रहना है। और मैं भी सोचता हूँ कि आपको आने से मेरा आज का शाम बहुत बढ़िया गुजरेगा। सही है। और मछली भी बनेगा क्या? मछली भी है, उसमें मिलेगा, सब ऑर्गेनिक है यहाँ का, क्योंकि हम लोग तो ही ऑर्गेनिक जगह में, ये पहाड़ कितना दूर है, बगल में ही है। तो बारिश रुकते चलते एक दिन प्लान बना के ना। ठीक है चलो। मिर्ची लगा दिया, देखो
हम लोग का सब्जी एकदम बढ़िया बन रहा है। और खाना बन गया ना भैया? खाना बन गया। अभी मीट पकड़े, देखिए टमाटर दिया है और भैया का कुछ स्पेशल मसाला है वो सब भी दे दिया है, जो अपना गार्डन में, होम गार्डन में है, जो हम लोग का लोकल मसाला है वो सब को भी भैया ऐड किया है। तो खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रहा है, काश आप लोग को मैं सुंघा पाता है खुशबू, बट क्या करें, अब ये वीडियो देख के मज़ा लो, खुशबू बहुत प्यारा आ रहा है। तो अब इसको बढ़िया से फ्राई करेंगे, ढक्कन लगा दिया है अभी। तो कितना समय लग गया भैया? आधा घंटा समझ लीजिए। अभी उसको भी फ्राई, आलू और ये इसको उसको फर्स्ट फ्राई करके रखा हुआ है इसमें। हाँ, ये सब ऑलरेडी, हाँ हाफ कुक है ना ये सब, हाफ कुक है। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, हाफ कुक होने के बाद में इसको भी उसमें डाल देंगे, उसके बाद में बन के रेडी 15 मिनट जैसा पकाने से बन जाएगा। वाह नाइस। तो ठीक है, पहले बना लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। मेरा प्लेट भाभी इतना प्यार से बाटी में मीट और सब्जी निकाल के दिया है। यहाँ पे कुकुम्बर है, प्याज है, राइस है, और भैया भी पूरा खाने में चालू हो गया। तमस का है, कैसा लगा है सब्जी? बढ़िया है भाई, टेस्टी है ना। और भैया भी वहाँ पे खा रहा है, सिसी मानो। और कैसा लगा है? हम भी टेस्ट नहीं किए, मजा कर रहे हैं अभी। कैसे है? मेनली तो नॉर्मली है, हमेशा रोज का है आपका, रोज खाते रहते हैं। और इधर हाँ, आप लोग का वो क्या सजेशन चाहता है कि कैसा? हाँ अभी हम भी खा के देखे यार। और हम लोग का डिंग डिंग भी खा रहा है खाना। डिंग डिंग दफदक ने दफदक, भाभी भी उधर है, इतना प्यार से सबके लिए बनाया है। अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ, थोड़ा झूल लेते हैं। खुशबू तो टू गुड, नहीं यही काफ़ी है। मस्तु भाई का बहन है, हाँ हाँ, ये जो तमस भैया का बहन है, और तमस भैया का बहन जो हम लोग का भैया का में शादी हुआ है, तो पता नहीं अभी क्या हो गया होगा। ये तो भाभी हो गया, फिर तमस भैया का तरफ से क्या होगा? भाभी होगा ना आपका तरफ से भी? कौन भाभी? जो मेरा बहन है। तो हाँ मतलब आप शादी के, तो आपका तरफ से तो भाभी हो गया, तो तमस भैया का तरफ से क्या होगा? नहीं ये किसके लिए? आपके लिए ना। हाँ आपके लिए तो भाभी है ना, भाभी होगा ना। तमस तो आपके लिए मागबो है ना, मागबो है ना। तो इसको भी मागबो बुलाना पड़ेगा अभी से। हम तो सही है, अभी खा के देखते हैं। ये बढ़िया से मिक्स करते हैं अभी, और ये स्कॉच है इसको भी मिक्स करते हैं। गरम है रे, कैसे खा रहे इतना जल्दी आप? तो इसको बढ़िया से मिक्स कर दिया, अभी खा के देखते हैं ना। नाइस, बहुत टेस्टी बनाया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया बनाया। अब ये चिकन को भी खा के देखते हैं। देखिए आप नहीं खाएगा? नहीं खाएगा। एक नंबर बनाया है भैया, तो इतना जल्दी खा रहा है जैसे कि ट्रेन पकड़ना है इसको। ट्रेन पकड़ना है क्या? इतना जल्दी खा रहा है, नहीं लग रहा है इसलिए जल्दी खा रहा है। खा के भागना है ना। तो सही है गाइस, बहुत ही टेस्टी बनाया। और फटक से खा लेते हैं हम लोग, खा के जाना भी है, समय हो गया अभी। हम लोग खा पी लिया है, अभी खा पी के जाएंगे। और भाभी देखो अभी भी खा रहे हैं। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, डिंग डिंग, बाय बाय, सिसी मानो, बाय बाय, सारे ही मामो। अभी निकलते हैं यहाँ से, बहुत खा पी लिया, मज़ा आ गया। 12:01 बजने वाला है, 12 नहीं 8:30 बज गए, अभी घर निकलेंगे यहाँ से। 12 बज गया ना, तो यहाँ से अभी चलते हैं। और भैया बहुत मज़ा आया आज, और भी आएंगे। वो धूप देने से जाएगा ना, वो बैम्बू शूट धुंधने के लिए। ओह कल जा सकेगा फ्री होने से? ठीक है, बारिश रुकने से आपको फ़ोन करेगा, उसके बाद देखते हैं जाने से जाएगा ना। तो ठीक है, तब तो सबको मेरी तरफ से जैसे
का जो ये क्या है YouTube है उसको सब देखिए, मजे कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर दीजिए। फॉलो कर दीजिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। तो चलते अभी यहाँ से और अभी आपको सीधा घर पहुँच के ही मिलते हैं। गाइस मैं घर भी पहुँच गया हूँ और बहुत मज़ा आया खाना वाना खा के। और उधर मैं बोला था कि 12 बज गया, 12 नहीं बजा एक्चुअली, 7:60 कुछ बजा है। तो अभी एडिट भी करना है, एडिट वेडिट करके अपलोड करते हैं। और आप लोग को कैसे लगा वीडियो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय गाइस, गुड नाइट।